तो यार भाई लोग, फाइनली भाई वीवो ने यार अपना एक और नया स्मार्टफोन, बेसिकली एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया भाई चाइना में। और बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है वो हमारी इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा जल्दी लॉन्च होने वाला है रूमर्स के अकॉर्डिंग। तो बताया ये जा रहा है कि भाई आपको ये फरवरी के मिड तक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, जो कि भाई वीवो Y55 5G। अब जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले भाई Vivo Y55 5G इस स्मार्टफोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानेंगे कि भाई ये फोन गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है, और जब ये फोन हमारे इंडिया में लॉन्च होगा तो क्या आपको ये फोन गेमिंग के लिए कंसीडर करना भी चाहिए नहीं। उसके अलावा हम इसके जायरोस्कोप और इसके हीटिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पबजी वाला फिर BGMI में आपको बाय डिफॉल्ट में क्या ग्राफिक सेटिंग ये प्रोवाइड करके देता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस पॉइंट पे ये देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के कारण हमारी ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली, तो इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। बाकी चलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो यार, Vivo Y55 ये जो स्मार्टफोन है इसका जो बिल्ड एंड फिनिशिंग निकल के आता है, ओवरऑल जो लुक एंड अपीयरेंस निकल के आता है वो इस बार थोड़ा यूनिक किया है Vivo ने। जी आ गए, इसका लुक एंड अपीयरेंस काफी आपको इम्प्रेसिव देखने को मिलने वाला है बाकी टिपिकल Vivo के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका लुक एंड अपीयरेंस डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन एंड जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी आपको काफी हद तक बिल्कुल यूनिक देखने को मिलते हैं, एंड मैं कहूंगा कि भाई काफी हद तक जस्टिफाई एंड काफी इम्प्रेसिव देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यार हम Vivo Y55 5G इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में तो इस वीडियो के लास्टली तो डिस्कस करने ही वाले, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते भाई इस फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में और जान लेते कि भाई आखिर फोन एग्जैक्टली गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इसी कारण से यार हम इसमें टेस्ट करने वाले भाई पबजी मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी भाई स्मूथ में अल्ट्रा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट अनलॉक देखने को मिल जाता है भाई स्मूथ और अल्ट्रा। और वही बात करते हैं भाई इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में भी अल्ट्रा एंड HD में आप इस फोन में हाई ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाओगे, यानी कि मिनिमम ग्राफिक्स में आप 40fps एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स में आप 30fps में गेम प्ले कर पाओगे। तो देखा इस फोन में आपको जो ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, वही टिपिकल वाली ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती जो आपको 10 से लेके 15,000 वाली स्मार्टफोन प्रोवाइड करके देते हैं। बट स्टिल जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई ग्राफिक्स भले ही लिमिटेड देखने को मिलती हो, परफॉर्मेंस किस टाइप की देखने को मिलती है ये ज्यादा मैटर करता है। तो यार इसलिए बात करते हैं भाई स्मूथ और अल्ट्रा के गेम प्ले के बारे में, TDM रैंगल एंड सैनोक्यो बूट कैंप के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस फोन में आपको कोई भी लैग वाला इश्यू देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्राफिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है, और ना ही यहाँ पे आपको कोई भी रेंडरिंग को लेकर इश्यू देखने को मिलने वाला है। लेकिन वही बात करते भाई FPS की स्टेबिलिटी के बारे में, तो भाई लिटरली इस फोन में आपको काफी तगड़ी FPS की स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करते भाई TDM के बारे में, तो भाई 40fps के गेम प्ले में ये जो फोन है वो बिल्कुल प्रॉपर 38 से लेकर 40fps बहुत ही इजिली मेंटेन कर पाता है, कहीं भी आपको फ्रेम ड्रॉप होते हुए बिल्कुल भी दिखाई देने वाला नहीं है। जी हां गाइस, बिल्कुल ऑल द टाइम ये जो फोन है वो बिल्कुल प्रॉपर 38 से लेकर 40fps बहुत ही इजीली मेंटेन कर पाता है भाई TDM में। सिमिलर केस आपको इरांगल में भी देखने को मिलता है, इरांगल में भी ये जो फोन है वो बिल्कुल प्रॉपर 38 से लेकर 40fps तो मेंटेन कर पाता है, बस एक आधी बार कभी कभी एकदम क्लोज कॉम्बैट में जब आप फाइट लोगे तो ही उस सिनेरियो में इसके जो FPS वो आपको 36-37fps तक जाते हुए दिखाई देंगे, पर वो रेयरली ही होता है भाई। आपको 98% के जो फोन है वो बिल्कुल 38 से लेकर 40fps चिपक के आपको प्रोवाइड करके देने वाला है। तो इन शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो भाई TDM एंड रैंगल में Vivo Y55 5G इस स्मार्टफोन के साथ में बिल्कुल प्रॉपर 40fps में गेम प्ले कर पाओगे TDM एंड इरांगल में। लेकिन वही बात करते भाई एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, यानी कि सैनोक्यो बूट कैंप के बारे में, क्योंकि MC को पता है कि भाई वहां पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहां पे इंटेंस सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है, और इस टाइम पे तो बड़े बड़े फोन जो वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन कर देते हैं। तो भाई क्वेश्चन तो ये निकल के आएगा कि क्या Vivo Y55 5G का ये स्मार्टफोन भी सैनोक्यो बूट कैंप में फ्रेम की फ्लक्चुएशन करेगा या नहीं। तो देखा अगर आप इस फोन के साथ में सैनोक्यो बूट कैंप करोगे और जब आप प्लेन से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो वहां पे आपको 33-34fps तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा जैसे आप प्लेन से जंप करोगे तो। लेकिन अच्छी बात है कि वो पलक झपकते ही रिकवर भी होना स्टार्ट हो जाते हैं और लैंड करते करते इसके जो FPS है वो लिटरली 35 से लेकर 40 के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज टू जब आप लैंड कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो और अगर आपको क्लोज रेंज में फायर लेना पड़ रहा है तो भी उस इंटेंस बसड़ में Vivo Y55 5G इसके जो FPS है वो आपको ऑल द टाइम बिल्कुल प्रॉपर 37 से लेकर 40 के बीच में ही होवर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हां गाइस, बिल्कुल इवन सैनोक्यो बूट कैंप में भी ये जो फोन है
वो आपको बिल्कुल प्रॉपर 37 से लेकर 40 FPS प्रोवाइड करके देता है। बस एक आधी बार कभी कभी एकदम क्लोज कॉम्बैट में जब आप फाइट लोगे तो ही उस सिनेरियो में इसके जो FPS है वो 36-35 FPS तक जाते हैं, पर वो रेयरली होता है। आपको मोस्टली 98% तक के जो फोन है वो बिल्कुल प्रॉपर 37 से लेकर 40 FPS प्रोवाइड करके देने वाला है भाई, इवन सनोक के बूट कैंप में। तो लिटरली Vivo Y 55 5G इस फोन में आपको 40 FPS की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल प्रॉपर आप 40 FPS में गेम प्ले कर पाओगे इस स्मार्टफोन के साथ में। तो भाई गेमिंग के मामले में, स्पेशली 40 FPS की गेमिंग के मामले में, आपको Vivo Y 55 5G इस स्मार्टफोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी यार बात करते भाई इस फोन के जायरोस्कोप एंड इसकी हीट मैनेजमेंट के बारे में, तो देखा इस फोन में आपको देखने को मिलता है भाई फिजिकल वाला जायरोस्कोप, जिसमें आपको कोई भी डिले, जर्क एंड जिटरनेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो भाई अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो बिल्कुल फुल जायरो के साथ में आप इस फोन में गेमिंग कर पाओगे विद कांस्टेंट 40 FPS के साथ में। एंड सरप्राइजिंगली गाइस इस फोन में आपको हीटिंग वाला इशू भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस फोन में इवन एक घंटे की भी ऊपर के गेमिंग कर लोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो ओनली 37 डिग्री सेल्सियस टच कर जाता है भाई 31 एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो हीट मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं कि भाई आखिर की तगड़ी परफॉर्मेंस आपको किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के बेसिस पे देखने को मिलने वाली है। तो गाइस बात करते भाई Vivo Y 55 5G इस स्मार्टफोन के कुछ धमाकेदार स्पेसिफिकेशन एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो यार अभी आप देख सकते हैं भाई इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.58 इंचेस का एक नॉर्मल 60Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD+ IPS LCD डिस्प्ले। जी आ गए, यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी नॉर्मल 60Hz के रिफ्रेशिंग रेट के साथ में विद 180Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। तो भले ही यहाँ पे आपको 60Hz का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलता हो, पर यहाँ पे कम से कम Vivo ने भाई AMOLED डिस्प्ले डेफिनेटली प्रोवाइड करके देना चाहिए था, तो जाके कहीं ना कहीं इस फोन का डिस्प्ले काफी हद तक जस्टिफाई लग सकता था। पर Vivo ने भाई इसके डिस्प्ले के फीचर्स एंड इसके डिस्प्ले की क्वालिटी में डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज किया है। LPDDR4X इन UFS 3.1 ROM का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जी हां गाइस, यहां पे आपको UFS 3.1 ROM का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, बट स्टिल अभी क्लियर नहीं हुआ है कि भाई इसमें आपको कितने जीबी का वर्चुअल रैम देखने को मिलता है, पर मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम यहाँ पे आपको 2 GB तक की वर्चुअल रैम तो देखने को मिलने ही वाली है। तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग में कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलने वाला है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको UFS 3.1 ROM देखने को मिलती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm जैक देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। लेकिन वही बात करते हैं भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में, जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइस इस फोन में आपको देखने को मिलता है MediaTek की तरफ से आने वाला भाई MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट। जी हां गाइस, यहां पे आपको Dimensity 700 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि भाई लिटरली 7 nm पे बना हुआ चिपसेट है, लेकिन डुअल 5G चिपसेट है। एंड भाई ये ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्टफोन के साथ में लॉन्च हो चुका है, और जिस भी स्मार्टफोन के साथ में ये लॉन्च हुआ है उसमें आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की ही देखने को मिलती है, क्योंकि यार जो चिपसेट है वो हार्डवेयर के तौर पे काफी वेल ऑप्टिमाइज चिपसेट है। लेकिन वही बात करते भाई इस फोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो बेसिकली जो फोन है वो अभी फिलहाल के लिए एक ही वेरियंट में लॉन्च हुआ है भाई 4GB एंड 128GB। एंड बेसिकली जो फोन है ताइवान में लॉन्च हुआ है लगभग 21,500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। जी आ गए, आपने सही सुना भाई, यहाँ पे जो फोन है वो लॉन्च हुआ है ताइवान में ही 21,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। एंड डेफिनेटली जब ये फोन हमारे इंडिया में लॉन्च होगा तो आपको 22,000 या फिर 23,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला। तो भाई 22,000 या फिर 23,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये फोन एकदम डिजास्टर फोन निकल के आता है। हालांकि फोन बिल्कुल भी बुरा नहीं है, फोन काफी अच्छा निकल के आता है, बट इसके प्राइस को कंसिडर करते हुए ये फोन एकदम डिजास्टर सा फोन बन चुका है, क्योंकि यार आज भी को पता है कि इसी के प्राइस सेगमेंट में आपको इससे इंसान लेवल के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे विद AMOLED डिस्प्ले, विद टॉप नॉच लेवल की परफॉर्मेंस एंड एकदम बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में। पर यार आपको ये फोन कैसा लगा, आपके अकॉर्डिंग ये फोन हमारे इंडिया में कितने प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए, मुझे ये कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा।